दोस्तों Redmi Note 7 Pro ने 3C सर्टिफिकेशन पास कर लिया है। इसका मतलब ये दोस्तों अब ये फोन लॉन्च होने के लिए तैयार हो गया है। दोस्तों अब ये 3C सर्टिफिकेशन किस चिड़िया का नाम है, इसका Note 7 Pro के लॉन्च के साथ क्या लिंक है, किस तरह का स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, किस प्राइस में लॉन्च होगा और ये कब तक ये लॉन्च हो सकता है, ये सब कुछ इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो का आप लास्ट तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हैं टेक मॉनिटर्स। दोस्तों जिस तरह से किसी भी मूवी को भारत में रिलीज होने से पहले उसे जाना पड़ता है सेंसर बोर्ड के पास, ठीक उसी तरह से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को चाइना में सोल्ड या इंपोर्ट करने से पहले उसे लेना पड़ता है 3C सर्टिफिकेट। दोस्तों ये 3C सर्टिफिकेट का मतलब है कंपलसरी सर्टिफिकेशन ऑफ चाइना। तो ये चाइना गवर्नमेंट की एक एजेंसी है जो प्रोडक्ट्स को चेक करते हैं क्या ये उनके स्टैंडर्ड्स को मीट होता है। अब इस स्टैंडर्ड के अंदर ये चेक करते हैं कि इस प्रोडक्ट से किसी भी तरह का क्या हेल्थ इशू आ सकता है, इसमें किसी भी तरह का हाइजीन इशू है, क्या कोई सिक्योरिटी इशू है, या फिर ये प्रोडक्ट उनके एनवायरमेंट को किसी भी तरह से डैमेज कर सकता है या इस प्रोडक्ट से किसी भी तरह का फ्रॉड हो सकता है। तो ये सारे टेस्ट को करने के बाद, वेरियस टेस्ट को करने के बाद अगर ये उन सारे टेस्ट को पास कर लेता है तो उसके बाद वो एक 3C सर्टिफाइड प्रोडक्ट बन जाता है। तो फिलहाल दोस्तों ये सर्टिफिकेट Redmi Note 7 Pro ने पास कर लिया है। तो अब ये डिपेंड करता है Xiaomi के स्ट्रेटजी के ऊपर कि कब वे इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहेंगे और उनकी प्रोडक्शन यहाँ पे कैसी रहने वाली है। दोस्तों अगर हम नजर डालें इसके स्पेसिफिकेशन के ऊपर तो यहाँ पे आपको बिल्कुल वैसा ही सब कुछ मिलने वाला है जैसा कि आपने Redmi Note 7 में देखा है। हालांकि यहाँ पे जो अपग्रेड देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा प्रोसेसर और कैमरा में। तो आपको Note 7 में मिल जाता है Snapdragon 660 प्रोसेसर, वही Note 7 Pro में देखने के लिए मिल जाएगा Snapdragon 665। और यहाँ पे जो कैमरा है वहाँ पे भी आपको काफी अच्छा अपग्रेड देखने के लिए मिलेगा। अब Note 7 भी आता है 48 मेगापिक्सल कैमरा के साथ, लेकिन जो उसकी एक्चुअल पिक्चर क्वालिटी वो है 12 मेगापिक्सल की। तो पिक्सल बाइंडिंग के ऊपर वो काम करता है और प्रो मोड में ही आपको 48 मेगापिक्सल का वहाँ पे पिक्चर मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करें Note 7 Pro की तो यहाँ पे आपको एक फुल फ्लेज 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिलेगा और वहीं पे यहाँ पे सेल्फी कैमरा दिया जाएगा 13 मेगापिक्सल का। इसके अलावा दोस्तों Note 7 Pro में दिया जाएगा 6.3 इंच का डिस्प्ले जिसकी रेजोल्यूशन है फुल HD प्लस और यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी दिया गया है। तो 4000 mAh की यहाँ पे बैटरी होने वाली है जो कि क्विक चार्ज 4 को सपोर्ट करेगा और ये आएगा माइक्रो USB-C टाइप के साथ। दोस्तों सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये आने वाला है एंड्रॉइड 9 के साथ। तो पाई यहाँ पे आपको आउट ऑफ बॉक्स मिल जाएगा जिसके ऊपर चलेगा इनका खुद का कस्टम UI जो है MIUI 10। दोस्तों Redmi Note 7 Pro आने वाला ग्लास बॉडी के साथ जो कि इसे काफी ज्यादा प्रीमियम बना देता है। तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस फोन के लिए। दोस्तों रैम स्टोरेज और प्राइसिंग की बात करें तो ये फोन लॉन्च हो सकता है टोटल 2 वेरियंट में, जहां पहले वेरियंट में आपको मिल सकता है 4GB की रैम और 64GB की स्टोरेज जिसकी प्राइस हो सकती है करीब 15,000 रुपए, और दूसरे वेरियंट में मिल सकता है आपको 6GB की रैम और 128GB की स्टोरेज जिसकी प्राइसिंग हो सकती है करीब 18,000 रुपए। और इसी प्राइस में अगर इसे इंडिया में लॉन्च करते हैं तो काफी अच्छा ये ऑप्शन होने वाला है। दोस्तों बात अगर हम करें ये कब तक लॉन्च हो सकता है, तो दोस्तों यहाँ पे 28 February को इंडिया में लॉन्च होने वाला है Redmi Note 7। अगर ये उसी के साथ लॉन्च कर देते हैं तो काफी बड़ा सरप्राइज होने वाला है, और अगर उसे लॉन्च नहीं भी करते हैं तो ऐसे में मार्च के महीने में डेफिनेटली ये लॉन्च हो जाएगा। तो आपके हिसाब से दोस्तों इस फोन की प्राइस क्या होनी चाहिए और क्या आपको लगता है कि 28 February को Redmi Note 7 के साथ लॉन्च हो सकता है, ये आप जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी सवाल या सुझाव है तो उसे आप कमेंट करिए, हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।